हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेडीज़ टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। हमने ये नेट का कपड़ा लिया और ये इनर लिया है। पहले हम नेट के कपड़े की कटिंग करेंगे। हमने इसको टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फोर लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग हो जाएगी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 27 इंच है और तैयार हमारी 25 इंच है। शोल्डर 7 इंच ले लेंगे, आर्म होल भी 7 इंच ले लेंगे और निशान लगा लेंगे। डेढ़ इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आधा इंच कम करके हम फ्रंट पार्ट की कम करके फ्रंट वाले पार्ट में कर देंगे। फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच हमने ये फिटिंग का निशान लगा और जो नीचे वाली फिटिंग है, हम जो हमने पहले वाली फिटिंग के निशान दोनों को मिला लेंगे और नीचे की तरफ लेते जाएंगे। नीचे तक हम निशान लगाएंगे और ये मार्जिन वाला कपड़ा है। यहाँ से आधा इंच कट कर देंगे हम गोलाई के लिए। शोल्डर से हम आधा इंच कट करेंगे कम करके। अब हम मार्जिन वाले कपड़े से इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे नेट वाले कपड़े की कटिंग है जो वो हो चुकी है। अब हम इसके इनर की कटिंग करेंगे। हमने लेंथ के अकॉर्डिंग इस इनर को ले लिया है और इसको टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसको भी हम फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसकी भी जो टोटल लेंथ है 27 इंच ही है। नेट वाला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे हम। बिल्कुल बराबर रखना है हमें और साइड साइड से हमें कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे। इनर वाले कपड़े से भी हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने इनर को इसके बिल्कुल बराबर रख लिया है और सिलाई कर देंगे। हमने इस पर कच्ची सिलाई लगानी है। इसके चारों तरफ हमें इसी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को में इनर अटैच कर लिया है सिलाई करके। अब हम गले की कटिंग करेंगे। बोट नेक गला बनाएंगे यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 3.5 इंच हम निशान लगाएंगे और निशानों को मिला लेंगे और बोट नेक की शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गले की कटिंग कर रहे हैं हम। देखिए बहुत ही अच्छी शेप आई है इसकी। इसी तरीके से हम बैक वाले की कटिंग करेंगे 2 इंच इस तरीके से और 4 इंच हमने ऐसे ले लिया है, निशान लगा लिया और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। गोलाई में हमने इसको कट कर लिया है। हमने ये पट्टी ले ली थी 1.25 इंच की, इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब इस पर हम अटैच करेंगे। हमने जो हमारा कपड़ा है सिलाई वाला उसको सीधा रखा है और दोनों को बिल्कुल एक साथ मिलाना है, क्योंकि नेट का कपड़ा है हमारा इधर उधर चला जाता है। बिल्कुल एक सीध में बराबर करके सिलाई लगानी है। हमें लास्ट तक सिलाई लगानी है और इसमें कट लगा लेंगे जिससे ये इजिली फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है इस पे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और एक बैक वाले पार्ट पे हमने आधी सिलाई लगाई है और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। हम इस पे डबल सिलाई लगाएंगे, दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। गला बन के देखिए रेडी हमने हो गले गया है, और बैक शोल्डर वाला और को भी, फ्रंट वाला। अब हम इसको स्लीव्स को जोड़ देंगे। हमने सेंटर पॉइंट लगा रखा है स्लीव्स पे, सेंटर पॉइंट को रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम फ्रंट वाले आर्महोल को सिलाई लगाएंगे, अब हम बैक वाले आर्महोल की साइड भी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से स्लीव भी बहुत ही अच्छे से हम सिलाई करके अटैच कर देते हैं। हमने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है सिलाई करके, अब हम फिटिंग के निशान हमने लगा लिया है, इस पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने मार्कर किया है वह बिल्कुल उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। दोनों साइड हमें फिटिंग के निशान लगा सिलाई लगानी है। हमने फिटिंग लगा ली है इसकी और स्लीव्स को भी जोड़ लिया है। अब जो नीचे वाला हमारा नेट का कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे, आधा इंच नीचे फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ हमें इसको फोल्ड करना है बिल्कुल। अब हम इसे बेल स्लीव अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों नेट के कपड़ों को जोड़ लेंगे और उस पे सिलाई लगाएंगे। ये दोनों नेट का कपड़ा है इसलिए इसको फिनिशिंग के साथ लगाना है ध्यान से। देखिए हमने इसको जोड़ लिया है अच्छे से, दोनों स्लीव्स को हमने नेट के साथ बेल स्लीव में जोड़ लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की निशान लगा देंगे। दूसरे वाले स्लीव्स पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमने स्लीव्स को जोड़ लिया है अच्छे से और इस पे हम पिको करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।